ये है मेरी कहानी। शुरुआत की थी जीरो से 16 मई 2021 और आज है 16 मई 2022। ये जीरो नंबर आज बन चुका है 1K या 1K, जो कि होता है 1000। ये मेरे लिए छोटा नंबर नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि ये जीरो से लेकर 1000 की पूरी कहानी, कि ये जीरो से 1000 कैसे बना। शुरुआत में मेरे पास एक स्मार्टफोन था। जब स्टार्टिंग की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे पास एक स्मार्टफोन था। उस वक्त ना तो मेरे पास कोई कैमरा था, ना ही मेरे पास कोई माइक था और ना ही कोई लैपटॉप था। ओनली फॉर मेरे पास एक था स्मार्टफोन। फिर एक दिन मेरे क्लोज़ फ्रेंड ने मुझे यूट्यूब चैनल ओपन करने को कहा, मेरी नॉलेज को देखते हुए। उस टाइम तक मुझे यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, कि मैं यूट्यूब चैनल के बारे में मैं नहीं जानता था। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर सीखा कि हाँ, कि कैसे यूट्यूब चैनल पर कैसे वीडियोस अपलोड करते हैं, कैसे वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल के देख कर वीडियोस देख कर उससे सीखा और एडिटिंग करनी सीखी, कि कैसे एडिट करते हैं, कैसे वीडियोस वगैरह अपन बनाते हैं। फिर मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो बनाई जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थी। उस टाइम मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं थी, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरी एडिटिंग कैसी थी। उस टाइम मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं थी, पर मैंने मेरी एडिटिंग में लगातार इम्प्रूवमेंट किया। मैंने रेगुलर मेरी एडिटिंग के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, उसके अंदर कुछ मैंने इम्प्रूवमेंट किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक दिन मेरी 1000 सब्सक्राइब्स की यूट्यूब फैमिली बन जाएगी। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। 15 दिन यानी 1 जून तक मैंने मेरे 170 सब्सक्राइब कंप्लीट कर लिए थे। फिर 7 जून 2021 तक 190 मेरे सब्सक्राइब्स हो गए थे। 9 जून को सब्सक्राइब हुए 200, 13 जून को हो गए थे 230 सब्सक्राइब, 15 जून को मेरे पास हो गए थे 240 सब्सक्राइब, फिर 17 जून तक हो गए थे 275 सब्सक्राइब हो गए थे, और 22 जून को हो गए थे 300 सब्सक्राइब। अगस्त में मेरे पास 500 सब्सक्राइब हो गए थे, तब मुझे मोनेटाइजेशन के बारे में पता चला। उस टाइम मेरे पास वॉच टाइम बहुत कम था, पर फिर अचानक से मेरी एक वीडियो स्टडी टिप्स वायरल चली गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे सब्सक्राइब और वॉच टाइम गेन हुआ। जब मेरी स्टडी टिप्स जो वायरल हुई, तब मेरे पास वहाँ पे सब्सक्राइब भी बढ़े और वॉच टाइम भी मुझे गेन हुआ। अब 23 अक्टूबर को मेरे चैनल में प्रॉब्लम हो गई। 23 अक्टूबर को मेरे चैनल में प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे चैनल पर कम्युनिटी स्ट्राइक आ गई थी, जो कि 3 महीने तक रही। इसकी वजह से मैं ना वीडियो अपलोड कर पा रहा था, ना ही लाइव स्ट्रीम हो पा रही थी। ये 1 वीक के लिए वहाँ सब कुछ बंद हो गया था, ना मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा था। फिर 29 अक्टूबर को वापस वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करी। फिर 20 नवंबर तक मेरे पास 900 सब्सक्राइब हो गए थे और 26 नवंबर को मेरे पास 1000 सब्सक्राइब्स हो गए थे। कम्प्लीटली मेरे पास 1000 सब्सक्राइब हो गए थे 26 नवंबर को। अब 1000 सब्सक्राइब इसलिए पूरे हो गए कि मैं रेगुलर वहाँ पे वीडियोस अपलोड करता था। मैं रेगुलर टाइमली वहाँ पे वीडियोस अपलोड करता था, जिससे मेरे वहाँ पे 1000 सब्सक्राइब हो गए। मोनेटाइजेशन के 2 क्राइटेरिया कंप्लीट करने होते हैं। एक तो होता है कि 1000 सब्सक्राइब और 4000, दूसरा बात करें तो 4000 घंटे वहाँ पे वॉच टाइम होना चाहिए। तो अपने पास इसके अंदर जो मेरे पास था कि वहाँ पे 1000 सब्सक्राइब हो गए थे और 4000 घंटे का वहाँ पे वॉच टाइम चाहिए, जिसके लिए अपन वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको मोनेटाइजेशन के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। 1000 सब्सक्राइब मेरे कंप्लीट हो चुके थे। अब मेरे पास मेन फोकस था ओनली फॉर 4000 घंटे वॉच टाइम लाने का था, कि 4000 घंटे मुझे वॉच टाइम लाना है। फिर 4000 वॉच टाइम लाने का मेरे पास वहाँ पे क्या था कि वॉच टाइम एक टारगेट हो गया था, एक फोकस था कि मुझे 4000 घंटे वॉच टाइम लेके आना है। मुझे कैसे भी करके 23 जनवरी तक जो वॉच टाइम कंप्लीट करना था, क्योंकि मेरी जो स्ट्राइक थी, कम्युनिटी बैग स्ट्राइक जो हुई थी, वो 23 जनवरी तक थी। तो 23 जनवरी तक मुझे क्या करना था, वहाँ पे वॉच टाइम कंप्लीट करना था। 23 जनवरी से पहले मेरा चैनल वहाँ पे मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि कम्युनिटी स्ट्राइक थी, इस वजह से वहाँ पे मैं मोनेटाइजेशन नहीं कर पा रहा था। वॉच टाइम लाने के लिए मैंने एक दिन में 5-5 वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने जैसे कि वॉच टाइम लाने के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास टारगेट वहाँ पे यही था कि 4000 घंटे लेके आने, तो मैंने क्या किया वहाँ पे कि वॉच टाइम लाने के हिसाब से 5-5 वीडियोस वगैरह मैं डेली की वहाँ पे डालने लग गया, मतलब वो स्टार्ट करने लग गया। इसका रिजल्ट ये रहा कि 1 जनवरी तक
मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। मतलब मैं जब डेली रूटीनली वहाँ पे 5-5 वीडियो डालने लगा तो उससे मेरा वॉच टाइम वहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। 23 जनवरी मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया क्योंकि कम्युनिटी स्ट्राइक वो कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब वो हट चुकी थी जो कि 3 महीने के लिए वहाँ पे लगी थी, तो इसलिए वो क्या हो चुकी थी, वहाँ पे हट चुकी थी। फिर मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, फिर मेरे पास 25 जनवरी को मेरे पास एक मेल आया जिसमें लिखा हुआ था आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया गया रीयूज्ड कंटेंट की वजह से क्या हुआ, मेरा मोनेटाइजेशन वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। अब मुझे चैनल में कुछ चेंजेस करके मैंने 1 महीने बाद वापस मुझे रीअप्लाई करना था। फिर मैंने 25 फेब को वहाँ पे मैंने वापस रीअप्लाई किया। फिर 1 मार्च को सुबह मेरे पास मेल आई, उसमें लिखा हुआ था कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है। मतलब 1 मार्च को मेरा चैनल वहाँ पे क्या हुआ, मोनेटाइजेशन हो गया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद फाइनली मेरा चैनल क्या हो चुका था, वहाँ पे मोनेटाइजेशन हो गया था। फिर मैंने सारी वीडियोज़ पर एड ऑन कर दी गई, मे बी पॉसिबल नेक्स्ट मंथ से मेरी पेमेंट आना स्टार्ट हो जाए, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बीच में कई बार मैं डिमोटिवेट भी हुआ पर मैंने कभी हार नहीं मानी। YouTube पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रखना। ये थी मेरी YouTube की कहानी शुरू से लेकर अभी तक की। आई होप आपको पसंद आई हो। यह सब कुछ आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि इसका सारा क्रेडिट मैं मेरी YouTube फैमिली को देना चाहता हूँ। ऐसे ही आपका अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।